नमस्ते ईशा स्वरूप कोहली, अपने डीजीएन रोटेरियन डॉक्टर दुष्यंत चौधरी एवं समस्त सबका तथा विशेष अभिनंदन करती हूँ हम सब की ओर से आज यूटी ऑफ जे एंड के अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाजुलेमान भारत वसुंधरा का आंचल काली व कितना अनूठा है ये किसी से छिपाने नहीं रहा। ये रतन जहाँ असंख्य मणिमुक्ताएं छिपाए बैठी है वहीं स्वमेव नष्ट हो गया। मंजिल आरती लिए स्वागत में खड़ी मिली। सुजीत भाई लाइट चलती है।
सर सामने देखना सर, सर। सैकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे, बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से लड़ने उड़ने की। सर 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 डीएसपी अमन ठाकुर, सामने बेटा सामने, सामने बेटा सामने, बेटा इधर मुंह इधर, बेटा इधर क्लब के औहदे दौरान खासतौर पर अशोक गुप्ता साहब, डॉक्टर दुष्यंत साहब और इनकी टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूं। एक बहुत ही नोबल थॉट जो इन्होंने लेकर के आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की दावत दी और फिर पुलिस के साथ मिलकर इसका इंतजाम किया, ये मुझे लगता है कि अपनी नौबियत का पहला प्रोग्राम है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है मार्टियर्स मेमोरियल के ऊपर। आज की सभा में शिरकत करते मेरे एस्टीम्ड खुडा सर, भान सर, मदनलाल सर, बाकी एस्टीम्ड रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स और मेरे कोलीग्स, रोटरी के मेंबर्स, बाबा जो हमारी रूह है ऐसे प्रोग्राम्स की, उसकी तरफ से जो मैडम लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, मिसेस अशोक गुप्ता जो खास तौर पे रोटेरियन की तरफ से भी है और हमारी तरफ से भी है, पावा की तरफ से भी है, रोटेरियन क्लब की बाकी जो लेडी मेम्बरान, हमारे शहीदों के परिवारजन जो हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं, और हमारे पुलिस के परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, सदस्य हैं, मीडिया के लोग, और आज के इस प्रोग्राम में कॉमन जो हमारे इनवाइटीज हैं पुलिस की तरफ से और रोटरी क्लब की तरफ से, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आज की तकरीब जो एक जज्बात के साथ जुड़ी है, एक फीलिंग के साथ जुड़ी है, आपने उसमें शिरकत की है। सरकारी तौर पे ऑफिशियल फंक्शंस जैसे जिक्र हुआ है 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे के माध्यम से होते हैं, 30 जनवरी को भी हम लोग एक फंक्शन यानी कल शहीदों के नाम पे करते हैं, मगर जिस खास टोकन रिस्पेक्ट का, इज्जत का, सम्मान का हमारे शहीदों के लिए जो पुलिस के शहीद हुए हैं, इस प्रोग्राम को लेकर के मैं फिर से इनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप सब इसके अंदर शामिल हुए हैं और हमारी दावत पे आप यहां पर आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग पुलिस वाले अपनी बहुत सारी चीजों को लिखते नहीं हैं, सिर्फ समाज के बीच में छोड़ देते हैं ताकि समाज में से ही कोई याद भी करे, उसको रिकॉर्ड भी करे और किसी न किसी रूप में उसको समाज के सामने पेश भी करे, मगर थोड़े पिछले ही 3 डेकेड पे अगर नजर मारेंगे जो सिलसिला जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों और अफसरों की शहादतों का रहा है,
तो मन में दो तरह की भावनाएं एक साथ पैदा होती है। एक तो गम की भावना कि हमने इतने साथी अपने खोए हैं, बड़ी तादाद में हमने अपने साथी खोए हैं, और एक फखर की भावना के इन बहादुर साथियों की वजह से आज हमारे समाज में अगर कोई बेहतरी हालात में अगर कोई बेहतरी देखने को मिल रही है तो उसमें हमारे इन सूरवीर जोधों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी जान की हरौती दी, जान की कुर्बानी दी। सैकड़ों की तादाद हो गई है और जिस सिलसिला अभी थमा नहीं है, अभी भी जारी है। इस साल भी हमने अपने बहादुर जोधा खोए, मगर एक बात जो बदली हुई पहले से दिख रही है, जिसका जिक्र अभी हुआ कि इस साल चार पुलिस के शहीदों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये बात कुछ नई है। शहादतें समाज पहचाने, हमारी इंस्टीट्यूशन पहचाने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट पहचाने, तो लड़ने के लिए मनोबल और भी बढ़ता है। पिछले साल भी दो शौर्य चक्र जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले, इस साल चार मिले, और मैं ये समझता हूं कि समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वतन और मुल्क के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमारे सब जवान और ऑफिसर आज भी अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा वैसे ही रखते हैं और रखते रहेंगे जैसा पिछले 30 सालों में चला है। हमारा फर्ज है कि हम अपने समाज की, अपने लोगों की सेवा और सुरक्षा में अपने आप को कमिट करें, डेडिकेट करें, और मुझे फख्र इस बात का कि इस फर्ज को निभाने में हमने कसर नहीं छोड़ी है, कमी नहीं छोड़ी है, और मुझे फख्र इस बात का भी है कि इसकी सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए आप लोगों ने, समाज ने और वक्त की लीडरशिप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब जहां पहले रियासत की, अब यूपी की लीडरशिप, एलजी मनोज सिन्हा साहब, इससे पहले मुर्मू और सत्यपाल मलिक साहब, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, कोई मौका ऐसा नहीं होता है जब खास तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के काम का और इनके शहीदों की कुर्बानी का जिक्र नहीं करते। मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि आज इन कुर्बानियों को पहचाना भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है।